दिया दिखा यश्चा जे भाई।
बोलिए भागवत भगवान की जय। नारायण सरस्वते श्री गुरु चरण कमले गोविंद योगिंद्र
मथाच शिष्यं श्री शंकराचार्य मथाच पद्मा पादं च हस्ताभनकं च शिष्यं तमतोटकं वारतिकार मन्यानं अस्मद्गुरुन संततमानतोऽस्मि अस्मद्गुरुन संततमानतोऽस्मि जगदादि मनादि मजं पुरुजं शरदं वरतुल्यं तनुं विदुनुं भरतकञ्जरथागदं विगदं प्रणमामि रमाधिपतितम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरदरुण बिम्बफलादरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दनेत्रा श्याम प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं श्री राधा श्याम गति मम नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे समुदभवस्था तन्मयतया तरवो बिने तम सर्वभूतहृदयं मानतोऽस्मि हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे Thank you.
जिस भांति बुलाते हो नाथ हमें उस कदापि पठाना नहीं। जिस भांति बुलाते हो नाथ हमें उस कदापि थोड़ा कुछ देना न जिंदगी
माटी में रोल रहो आजा रे सांवरिया रे मन डोल रहो आजा रे सांवरिया रे मन डोल रहो प्रीत तो नी भाई मैं दे ठाट सी दुनिया की प्रीत तो नी भाई मैं दे ठाट सी दुनिया की प्रीत तो नी भाई मैं दे ठाट सी नरसी के गयो कदे ने क्यों साची पी साची प्रीत ने बोल रहो आजा आजा रे हरिया रे मन बोल रहो सांवरिया जीवन डोर तारे हाथ में सुन लो सांवरिया जीवन तारे हाथ में सुन लो सांवरिया जीवन डोर तारे हाथ में सुन लो सांवरिया जीवन डोर तारे हाथ में बोलो भाई कसर नजर आई बात में बोलो भाई कसर नजर आई बात में बोलो कसर नजर आई बात में हमारी बात ने क्यों हमारी बात ने क्यों हमारी बात ने क्यों थाकड़ी में तोल रहो आजा आजा रे सांवरिया रे मन तोल के Thank you.
दर्शन पुराणन ने देखा नहीं योग में समाधि में दिखा नहीं पार ब्रह्म को जाहर प्रति बात पालन और भक्तों के प्रसाद हो न देख कर बढ़ा कुछ कुछ दिखाई दिया काल में बड़ देखा तो किधर जब ब्रज की ओर चले देख बाल बाल संग वृंदावन पार ब्रह्म वृंदावन की धो उठ रहा वृंदावन की धो
रहा वृंदावन की धोल जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन ओ प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन ओ जय वृंदावन गली में राधे राधे ओ श्याम गली में राधे राधे ओ खान गली में राधे राधे ओ कुंज गली में सेवा कुंज में निधि वन में ओ जमवट पे पंचीवट पे ओ बांके बिहारी राधा वल्लभ राधा रमण में ओ राधे 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 ओ राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय हो काशी विश्वनाथ की जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो सीताराम चंद्र भगवान की जय हो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो भद्री विशाल धाम की वेद व्यास जय हो जय जय राधे जय जय श्री राम पार्वती हर देव आनंद कर भगवान आ कारण कर अखिल कोटि ब्रह्मांड ऋषिकेश जनार्दन वृंदावन चंद श्री संपन्न सद्गुरुदेव भगवान के चरणार बिंदु में ते हुए भगवत महापुराण परमहंस वृंद वृंद श्रोतागण भाई बंधुओं परम पवन स्थल यह श्री हनुमंत लाल जी का मंदिर परम पावन समय कार्तिक के इस मास में इस भागवती कथा का श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमद् आयोजकों के रूप में हमारे आत्मीय श्रीमती निशा सोनी एवं श्रीमती अग्रवाल परम पूजनीय अर्चनीय श्री स्वामी ब्रह्मानंद अध्यक्षता प्रेरणा आइए
हम लोग समाहित कथा का श्रवण करें। कल के कथा श्रवण किया श्री सुखदेव दीक्षित को किया। भगवत मिलने में प्रभु ना हो व्याकुल जाता है को आने में, यदि तो नहीं तो भगवान को आने में कुलदा आने में अलग जपक देव ना जाए व्याकुल व्याकुल जाए। आप चीज को आप जल्दी सिद्ध हो जाती है, बन जाता है, परिपक्व पक जाता है। चित्र आतुरता वह होती है, उतने जल्दी तत्व को नहीं बीरबल की लगा के लगाओ अब बनेगी खिचड़ी। तो कभी आ जाए करे कि तेरे दिन फिर हो गए। हम कहें कि भगवान मानव का देह मिल अच्छी जगह मिल
जाएंगे। मिल गया, ये ईश्वरीय कला है। मिल गया, यदि तो पेड़ बकरी कबूतर मानव के है कृपा कर प्रभु ने प्रिय शरीर कृपा गुरु मिलते हैं। अपना मन करते भाव था तो सुख सुखदेव जी को कृपा से पधार प्रभु से गुरु मिलते हैं, गुरु से प्रभु मिल जाते हैं। हरे गुरु नहीं मिलते तो एक करना चाहिए है। और जब भगवान समझ लो जी है कृपा, किसने पहुंचा कि भगवान और संत कृपा करे तो करे ना देते हैं ये करें भगवत हाँ उत्तर समझ आता है। को कथा आते नहीं है धक और जाए कहीं मां किसी को समझ में आता है होती हो जाए। भागवत जो श्लोक बोल कि श्लोक ये भगवान की साक्षात परंतु बाणी है तो किसी को समझ आता है और है आत्म कृपा ना हो तो है। आप भगवान कहते हैं तू भी तो हमारे पे कृपा कैसी कृपा जो है आदि में नहीं है यह है अतिशय आत्मक लगन व्याख्या मिलने में देर
पलक क्या क्या चाहिए भक्त्यापुष्यते भक्ति प्रेम माधव भगवान भक्ति से संतुष्ट हो जाए भक्ति प्रिय है चो विद्या गजेंद्र का जा सूत्र रहे उन लोगों को भगवान हृदय से लगाते और यदि भगवान आयु वालों को मिल जाए यदि भगवान किसी विद्या गजेंद्र को कैसे यदि भगवान दुरु को कैसे मिले भक्त्या तो केवल संतुष्ट होते हैं कोई चीज नहीं समझ आती सब ऊंची प्रेम गाए मेरे मो आगे बस पार के पार या पसंद आते हैं वो है और अब महाराज प्रेम जो है वह कुछ है। प्रेम प्रेम हरि रूप है दो ये से जे सूरज और नहीं है ना ऐसे प्रेमास्पद परमात्मा से अलग नहीं हो सकते दोनों एक प्रेम मिल गया माने भगवान ये प्रेम भगवान को ही इसलिए प्रेम प्रेम तो फिर प्रेम ही लिया अरे भाई दुकान पे मिलने को जाओ जाओ एक दो जाओ उपजने में प्रेम काक प्रेम उपजे प्रेम नहा कैसे मिले जेही दे जा तो जब हमारा अभिमान ही तो प्रेम
चाहे प्रेम चाहे एक म्यान में दो खड़ग नहीं, एक दो तलवार नहीं एक जगह पर हो सकती, वहां पर प्रेम दोनों एक साथ मान करना पड़ता है, तब भीतर जब तो उनके प्रेम। इसलिए संत कहते हस ने पाया क्या कभी हो जे इन रो कर होने से कैसे पाए आराम ना रोए उसको कोई को। भगवान नहीं जीते जिस पे तो जीती क्या रोना धोना सिसकना मिल जाए तब भी रोना ना मिले मिल जाए तब भी और ना मिल जब जब और चे जो द्वार पर खटखटाने के लिए जैसे मेरा मन में विचार कि तू से मिल जाता है आनंद है बहुत है मिल जाएंगे अभिन करने में तो उससे मिलने इसलिए नहीं मांगना करते हैं प्रभु ही रोता रहा पर तुम्हारी वो जो तड़प है से न जाए इस तड़प में आनंद है लेगा प्यारे।
कैसी गांठ। एक बार की तरफ से कुछ भक्त वृंदावन में जाने के दर्शन करने के अपने मन की जो प्यारी जी में गए कर्नाटक में गए और वल्लभ मंदिर में गए वहां जाकर अब इसके बाद में दर्शन कर रहे से आश्रम वाले कहते और भी दर्शन कर अब नहीं कहीं नहीं बोले आप ना है वापस ट्रेन हमको वापस चलना होगा। उसने जा नहीं सकते बड़ा उनको समझाया जाते जब थक गए तो सब चले वहीं रह गए दर्शन करना। कैसी घाट पर कैसी घाट के बैठ गए घाट और शुरू किया तो ऐसा रोना शुरू किया कि जोर जोर से दहाड़ मार मार करके रोने लगे इकट्ठे हो गए पास में क्या हुआ बाबा क्या हुआ बताओ क्या हुआ हमें बताओ। उनका मुझे कुछ नहीं खोया तुम बताओ जोर श्री राधा श्री राधा श्री राधा रोना शुरू किया। तो मैं लोगों ने पहले पहले तो कुछ समझा कुछ पास में हेल्प करने के लिए जाते समय
उसका
हमें ये सुख सुविधा से युक्त होकर के व्यक्ति आलस से प्रमाद करता है, परंतु गरीबी में एक बड़ा गजब का गुण है, उस गरीबी में दैन्यता अपने आप स्वतः प्रकट होती है। दैन्यता का श्री ठाकुर लीजिए, उस दैन्यता इसलिए दोनों बैठ करके भजन कर रहे और जिस समय में भगवान शांति दूत बनकर के आए, करते करते 12 वर्ष बीत गए। भगवान जब आए इतने समय दोनों पति पत्नी भजन करते हैं, इसके बाद प्रभु चले गए दुर्योधन की राज
दुर्योधन तो इस बात को समझा नहीं। भगवान ने कहा कि देखो आधा राज देने के अधिकार है पांडवों को, पांच ही दे हम मान बना लेंगे, कोई बात नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बंधी बना ले तो जंजीर लेने के लिए जिनकर अपने कर्ण कृष्ण कविता में लिखते हरे पाना जय है
Thank you.
इससे तुम्हारे को जो है सत्य सत्य का साक्षात्कार होगा और मैं उस ज्ञान का श्रवण कर रहा हूँ। इधर जी ने कहा फिर वह ज्ञान हमें भी सुनाए। उद्धव जी ने कहा कि विदुर आप बड़े धन्य हैं, श्री गोविंद ने आपको दो दो बोल बार याद किया और आपको याद किया कि मैंने सब भक्तों को कुछ न कुछ दिया पर मैं अपने विदुर को कुछ नहीं दे पाया। हे उद्धव विदुर कहीं मिले तो उन्हें कहना जिस ज्ञान को मैंने तुम्हें दिया वही ज्ञान मैत्री जी को से तुमको प्राप्त होगा। तो मैत्री जी के आश्रम हरिद्वार जाने के लिए श्री उद्धव जी विदुर जी महाराज तैयार हैं। विदुर जी महाराज अब हरिद्वार में पहुंचे मैत्रेय ऋषि के आश्रम पे जाकर तो महान भक्तों में आपस में परिचय हो रहा है। विदुर जी महाराज के मन में थोड़ा संशय है, वो ब्रह्म ऋषि है, मुझ जैसे दासी पुत्र को अपनाएंगे कि नहीं, मेरे को उपदेश करेंगे कि नहीं। दंडवत दूर से किया श्री मैत्रेय जी समझ गए विदुर जी के मन में दैन्य भाव है, श्री ठाकुर के लाडले होते। विदुर जी महाराज को बिठाया और उनको ज्ञान सुनाना आरंभ किया। विदुर जी प्रश्न करते हैं, वही प्रश्न सूत जी महाराज करते हैं जिन प्रश्नों को परीक्षित सुखदेव जी से किए ऐसे ही प्रश्न श्री विदुर जी ने मैत्री जी से भी किए। आइए मैत्री जी महाराज श्री विदुर जी को ज्ञान सुना रहे हैं। देखो श्रोता और वक्ता बदल रहे हैं पर विषय वही है, सृष्टि का विषय चल रहा है। आरंभ में एकमात्र ब्रह्म तत्व ही था, उसी ब्रह्म तत्व का ही पसारा हो रहा है। वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण रूप से ब्रह्मा ही सृष्टि बन रहा है और वही बना भी रहा है।
एक बात इसमें पक्की है कि नहीं, बोलो कि जो कुछ आप देख रहे हैं वह वासुदेव वही गोविंद है, वो परमात्मा है, क्योंकि ये अन्वय रूप से श्री गोविंद ही सर्वत्र दिख रहे हैं, सब में विराजमान है, या सर्वत्र एक कण भी ऐसा नहीं है जो उससे विलग हो। जैसे मकड़ी में से ही जाल निकलता है, मकड़ी ही जाला बनाती है, श्री भगवान ही से सृष्टि बन रही है और भगवान ही सृष्टि बना रहे हैं। इसलिए भगवान इसमें है और इससे अलग भी है और इसमें भी विद्यमान है। तो इस बात को समझ सकते हैं कि नहीं कि जो कुछ है सब वही है। इसलिए भक्त कहते हैं जित देखूं तित श्यामई है, सब वही है वासुदेव सर्वमिति। जब ये बात समझ में आ जाए सर महात्मा दुर्लभ है, वो महात्मा दुर्लभ है, वह दृष्टि दुर्लभ है जो सब में उस परमात्मा को देख सके। देखो भगवान के श्री विग्रह में भगवान को देखना एक बात है, भगवान के भक्तों में देखना, संतों में, ब्राह्मणों में भगवान को देखना, कहीं कहीं तो ऐसे निकम में उनको इनमें भी नजर नहीं आता, मूर्ति में भी भगवान नजर नहीं आता, और कहीं कहीं ऐसे निकम में उनको साधु संत ब्राह्मणों में भगवान नजर नहीं आता है, माता पिता में भगवान नजर नहीं आता है। ये तो बहुत ऊंची स्थिति के सबने देखा है, पहले नीची स्थिति पूरी हो जाए, पहले नीची स्थिति पूरी नहीं होती ऊंची में क्या जाओगे। ब्रह्म ज्ञान हुयो नहीं अर कर्म दिए छिटकाय, तुलसी से आत्मा सहज नरक जावे। तो पहले ब्रह्म ज्ञान होवे नहीं, और अपने सबसे पहले मंदिर ही छोड़ो, सबसे पहले पूजा छोड़ दो, क्योंकि हम तो ब्रह्म ज्ञान करने जा रहे हैं। तो कहीं कहीं लोग ब्रह्म ज्ञान का नाम लेकर और इन सब कर्मों को छोड़ देते हैं। तो संत कहते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा, केवल माँ मात्र दुख के सेवा से मिलने वाला नहीं है। इसीलिए वास्तव में वो परमात्मा कैसा है, तो गोविंद जय जय गोपाल जय Radha 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 Radha
स्वरूप एक तो सर्वत्र है और उसमें नजर आ जाए बहुत बड़ी बात है। इसलिए सर्व रूपेण वासुदेवं सर्वमिति सर्व खलविदं ब्रह्म, सब वही है ऐसा तत्व समाज में आ जाता है और वही परमात्मा अनेकों अवतार लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मा के रूप से सृष्टि को प्रकट करना और स्थिति के लिए इसे सृष्टि को चलाने के लिए धर्म की आवश्यकता है और उस धर्म की परिपालना करने के लिए उस धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार देते हैं। अवतार नाना प्रकार के अवतार लेकर के सृष्टि की स्थिति को बनाए रखते हैं और जब देखते हैं कि बहुत ज्यादा अब बिगाड़ हो रहा है, अब सुधारने का समय नहीं है, अब सुधारा नहीं जा सकता है, तब वो शिव रूप से इसका संहार भी कर देते हैं और श्रृंगार करके अपने भीतर समेट करके भगवान नारायण जो है फिर शयन कर लेते हैं। इस तरह से वह प्रलय के रूप में उस सृष्टि को अपने भीतर ही समेट लेते हैं और फिर पैदा करते हैं। इस प्रकार से यह चक्र चल रहा है। तो जब इस सृष्टि को उत्पन्न किया तो सबसे पहले मानसिक सृष्टि पैदा किया, 10 मानस पुत्रों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, परंतु वह सृष्टि अधिक देर तक नहीं चल सकती क्योंकि सृष्टि तो बस उन्हीं तक सीमित रहे। इसलिए सबसे पहले एक जोड़ा प्रकट किया मनु और शत्रुपा का, और मनु माना शत्रुपा को प्रकट किया। उस समय में देखा कि इस सृष्टि को देवते पाताल में ले गए। उस समय में श्री नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि कैसे ले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वैकुंठ के दो द्वारपाल हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय जय सब को सनातन संत कुमार चारों ऋषि बैठे हैं
अब देखो कितना गजब की बात है, समझने वाली बात है। भक्तों को बुलाया थोड़ी जाता है, एक निमंत्रण कार्ड बनाए जाते हैं ना, ये उनके लिए होते हैं जो भक्त नहीं है। भक्तों को देने की जरूरत नहीं, भक्तों को तो फिर पता लगना चाहिए कि हम जगह कथा हो रहे हैं, बस इतने में दौड़े आए। और जो भक्त नहीं है उनको आप कार्ड दो भी दे भी दोगे ना, वो फिर भी वो टागल टोल कर जाएंगे, आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, एक दिन जाएंगे, वो भी 10 मिनट के लिए जाएंगे। तो कोई कोई जो होता है भक्त, वो कथा होती है उन भक्तों के लिए जो भक्त प्रवृत्ति के होते हैं। वो सबसे पहले आज आए थे यहाँ, 5 लोग बैठे हुए थे, कोई सत्संग की परमा जन आए तो
हमारे के इशारे को समझ गए और जब चले तो मिलने की छह द्वार पार कर सातवें पार रोक लिया। सरकार को देखा कि ये व्यक्ति खा रहे क्या कर रहे हो, क्यों यहां रोक रहे हो, रोक शाप दे दिया जाओ जाओ तो असुर हो जाओ। भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने कहा असुर बनना पड़ेगा, एक बार नहीं तीन बार इनको असुर बनना पड़ेगा और यही निर्णय करके आए हैं। और जरा शाब्दिक अर्थ देखो, निर्णय जिसकी आंख में स्वर्ण बसा है, धन बसा है, ऐसा लोभ जिसके भीतर पड़ा पड़ा है, अरे उसको कभी कहो तुम कथा में आओ, सत्संग में आओ, या कुछ धर्म में आओ, या कुछ भजन करो, वो कहता है कि बिल्कुल सब नहीं, बहुत काम काजी व्यक्ति करना पड़ता है, इसलिए एक माला जपने के लिए भी समय उनके पास नहीं होता है। लोभ का बड़ा गजब का स्वरूप, ये लोग आपको कभी भी फुर्सत में आने ही नहीं देगा। जो वक्त होते हैं वो भगवान के लिए भी समय निकालते हैं और उनका काम भगवान खुद कर देते हैं। ऐसे कितने उदाहरण हैं, जो भगवान की भक्ति का कार्य करते हैं, जो ईश्वर का कार्य करते हैं, ईश्वर उनका कार्य कर देते हैं, और जो ईश्वर का कार्य नहीं करते और किसी माया के पीछे भागते रहते हैं, ये माया उनको कभी मिलती नहीं। माया को सब जग भजे, हरि भजे नहीं कोई, और जे जग हरि भजे माया चे। तो माया पीछे पीछे घूमे, छाया माया एक सी, दोनों आगे नहीं जाए, जो छाया के पीछे भागता छाया आगे आगे चली जाती है, और जो छाया से विमुख होकर चल पड़ता छाया उसके पीछे चल पड़ती है, जो माया के पीछे भागता है माया उसको नहीं मिलती है, और जो माया को छोड़ हरि की तरफ चलता है माया उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। इसलिए अब हमारे प्रभु हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष लोग और हिरण्यकश्यप जिसका आसन सोने का, जो सोने के आसन के सिवा इतने बड़े सिंहासन पर बैठे उसके सिवा नीचे बैठ नहीं सकता, अभिमान का रूप है ऐसा अभी तो परिवार जोड़े अभिमान और लोभ का सम रूप पड़ता है, प्रेम आ जाता है, अभिमान और लोभ परिवार हमने टूट, जहां परिवार जिस होता है आज के समय हो रहा के टुकड़े टुकड़े हुए से इसी बात के कारण से उन्होंने विचार किया क्यों टूट इसके पीछे मुख्य हमारे इस देश को जोड़ने कोई इकाई परिवार रहेगा तो देश धनी इकाई को जोड़ना शुरू करो। इसलिए लोभ और मान ने धरती ले गए, लोभ बढ़ेगा एक जैसी नहीं रह पाएगी, और आगे धरती जब रसातल में चली गई और वैचारिक रूप सिद्धांतिक रूप भी समझना कथात्मक रूप है, बारह अवतार लेते हैं और बारह धरती को ढाढ़ों पर रख करके फिर से लेकर भगवान बारह बारह भगवान हिरण्याक्ष मार गिराते हैं।
कितना सुंदर है इसका।
जाकर के विराजमान किया। अब मनु और शत्रुपा दोनों ने जब इनकी सृष्टि आगे बढ़ी, इनके दो पुत्र और तीन पुत्रियां हुए, इनमें से मंजली पुत्री का जो विवाह है वह कर्दम जी के साथ में, देवभूति का विवाह कर्दम जी के साथ में, कंडी पुत्री आकृति का विवाह जो है रुचि प्रजापति के साथ में होगा, और इनके यहाँ यज्ञ भगवान पर प्रकट हुए। और जो देवभूति का विवाह हो इनके यहाँ पर जो है भगवान कपिल नारायण प्रकट हो रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा है, जब इनको वचन दिया भगवान ने कि आपके घर में पुत्र बन करके आएंगे, तो पुत्र आने से पहले 9 कन्याएं पैदा हुई, 9 लड़कियां पैदा हुई। अब महाराज हम लोगों के तो एक लड़की हो जाए तो हम लोग छाती माता कूटते हैं, हमारे तो लड़की हो गई, लड़की हो गई। माता हमारे कथा में आती थी पहले वो, और उसको बोला कि महाराज मेरे लड़का हो लड़का हो, फिर कई दिनों तक वो आई नहीं। तो हम सोचे क्यों नहीं आई, एक दिन मिली तो मैंने कहा क्यों नहीं आए, बोले महाराज आपने तो कहा कि लड़का हो जाएगा, मेरे तो लड़की हो गई। तो कहा कि लड़की होने से तो कथा ही छोड़ दी। तो भगवान ने कहा कि भगवान के यहाँ तो 9 कर्दम जी के यहाँ 9 कन्याएं हुई, तो फिर वो तो छोड़ देना चाहिए। तो ये तो लड़की हुई है। अरे हमारे यहाँ ऐसी कहावत है कि जो लड़की होती वो पुण्य देती है और छोरो कर्मा को भारो, छोरो कर्मा को भारो। लड़का होता है उससे सोचते हैं लोग कि हमारा लड़का हो गया है इसलिए अब हम इसके लिए इकट्ठा करना पड़ेगा, तो छल कपट करके झूठ बोल करके उसके लिए इकट्ठा करना व्यक्ति कि लड़के का तो काम करवाना पड़ेगा, लड़के के लिए तो इकट्ठा करना पड़ेगा। एक सेठ जी ने अपने मुनीम से पूछा कि बताओ हमारे पास में कितना पैसा है। मुनीम ने सारा हिसाब लगाया तो बोले महाराज इतना है कि आप जो है अगर 13-12 पीढ़ी भी आपकी जो है बैठ कर खावे तो खत्म ना हो 12 पीढ़ी। तो सेठ जी उदास हो गए। तो बोले उदास क्यों हो गए महाराज। बोले 12 तक तो ठीक है, 13वीं का क्या होगा। तो आप लोगों को चिंता रहती है तो हम लोग छल कपट झूठ आदि से हम लोग पैसा इकट्ठा करेंगे तो लड़का ने कर्म बढ़ा दिए ना, छोरा कर्मा का मारा तो उसने कर्म बढ़ा दिए, और लड़की जब उसका कन्यादान करते उसका पुण्य फल मिलता है। अभी यहाँ पर भी कन्यादान है, आखिर में भागवत जी के पूर्णावती पर एक कन्या का, गरीब कन्या का विवाह कर रहे हैं, तो उसमें कन्यादान करते हैं तो उसका बड़ा भारी पुण्य बढ़ता है। ऐसा पुण्य जो ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, तो खूब बड़े भाव से आप लोग जो है उस कार्य को करना। तो यह कन्या जो है पुण्य को रखती है। हमारे शास्त्र में यहाँ तक लिखा है कि राम भजत बिटिया भली, अरे विमुख बनो नहीं भूत, अरे सबरी तो बजबे कुंठ गई, अर धुंधकारी वयो भूता होगा वो पिंड तर्पण हमारा कल्याण, तो पिंड नहीं हुआ। बोलो अरे प्यारे पिंड के बात तो हो ही जाना है, पिंड क्या आप पिंड दान कहे वो पिंड दान शरीर के बाद तो हो ही जाएगा, आप नहीं चाहोगे तो हो जाएगा। तो आप जीते इस शरीर को जो है समाज के लिए शरीर को अर्पण करिए, हमारा असलियत में कहां रहेगा। लोग बाद में श्राद्ध करते हैं, जीते जी श्रद्धा होती नहीं है,
बाद में श्राद्ध करने से क्या मिलेगा? अगर श्रद्धा जिसकी जीए वास्तव में उसी का कल्याण होता है। इसकी अपेक्षा मत रखो करेगा तब कल्याण होगा। इस जीते ही हमारा जीवन का ऐसा कुछ कर लो, ऐसा कुछ कार्य कर लो कि हमारे जीवन मुक्ति को प्राप्त हो। इस तरह से नौ कन्या एक कन्या को साधारण नहीं है। कन्याओं का विवाह नौ ऋषियों के साथ में हुआ। इन्हीं में से एक जो है के यहाँ पर भी भगवान के एक अवतार प्रकट हुए हैं। दत्तात्रेय भगवान की और कपिल जी महाराज अब मां देवहूति के यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। तो नहीं है कपिल भगवान जब छोटे ही थे मां देवहूति ने उनको सुंदर व्यास गति पर बिठाए और उनको प्रणाम करने लगे। तब भगवान बोले कि मां आप तो मां हैं फिर क्यों प्रणाम कर रही है? मां ने कहा कि प्रभु मैं जानती हूं कि आप मेरे पुत्र हैं, मैं आपकी मां हूं, पर आज मां और पुत्र के संबंध से नहीं आए, आज मैं गुरु और शिष्य के संबंध से आई हूं, क्योंकि ज्ञान तो गुरु और शिष्य के संबंध से ही होगा और किसी प्रकार से हो नहीं सकता। भगवान अर्जुन साथ में रहते थे, हमेशा साथ में रहते, परंतु भगवान ने अर्जुन को गीता कब सुनाई? जब अर्जुन ने स्वीकार किया अर्पण दोषोप मंद स्वभाव प्रश्चामिता धर्म संचेता यश्रेयं स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येस्ते हम साधिमा प्रभु। आप मेरे गुरुदेव हैं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। तब जब ये बात कही तब भगवान ने गीता जी सुनाई, इसलिए मैं गुरु और शिष्य के संबंध से आई हूं, आप मेरे गुरुदेव हैं, मुझे ज्ञान दीजिए। देवती माता श्री कपिल नारायण से प्रश्न करती है कि ये प्रभु मेरा प्रश्न ये है कि निर्णन तरा उमन सैंद्रिय तृष्णा कहती ये अच्छा अच्छा देखो काम करती कहता है ये सुनो जीवा कहती ये खाओ। तो इस तरह से हमारे इंद्रियां जो है अपनी अपनी तरफ खींच रही है, मन भी अपनी तरफ खींचता है। अरे हे नाथ किस तरह से मन इंद्रियां जो रुक जाए ऐसा कोई उपाय बताए? भगवान कहते हैं मां यदि आपको इस मन को वश में करना है तो देखो कि मन जाता कहां पर है, मन कहां जा रहा है। आप देखेंगे कि अभी जब आप रास्ते में आ रहे थे तो पास में कहीं कचरे का ढेर भी लगा होगा, तो आपका मन कचरे के ढेर में जा रहा है क्या? क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसकी आपको जरूरत नहीं, उसमें उसको आप अपना नहीं मानते। मन कहां जाता है? जहां इसकी चाहना होती, जहां इसकी चाहना है मन उधर भागता है, जिसमें इसकी आसक्ति होती है। इसलिए आसक्ति हमारी हटनी चाहिए। किसी ने बड़ा सुंदर कहा ये चाह न जाने क्या से क्या कराती रही, ये चाह आनों से नोट बनाती रही, ये चाह नोटों से कोठी बनाती रही, ये चाह कोठी में गाड़ी में आती रही, ये चाह गाड़ी को होटल ले जाती रही, ये चाह होटल में बोतल फुलाती रही, ये चाह न जाने क्या से क्या कराती रही। चाह जिसने पाली वह सब
रसीले हुए और चाह जिसने छोड़ी वो सब रसीले हुए। चाह जब जल से हुई जी जरा हो गया और चाह जब हरी से हुई जी हरा हो गया। जी हरा हो गया तो चाह न जाने क्या करा। ये चाहना हमारे को खींचता है, खींच लिए और हमको इस तरफ लगा दिए। संगा संजायते कामा कामाद क्रोधो भी जायते, ये पूरी जो है कड़ी पड़ी हुई है। ये जो हमारी आसक्ति ना ये हमारे भीतर कामनाओं को पैदा करती है, कामनाएं हमारे भीतर क्रोध को पैदा करती है, क्रोध हमारे बुद्धि को सम्मोहित करता है, बुद्धि सम्मोहन से स्मृति का भ्रम में पड़ जाती है और स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से विनाश हो जाता है। इसलिए इस कड़ी में मत उलझो, इस कर्म में मत जाइए। इसलिए आसक्ति को बदलना है, कैसे बदले? बोले आसक्ति को बदल करके जो आसक्ति संसार में है वही परमात्मा की तरफ हो जाए। श्री कपिल नारायण ने कहा माँ उसको परमात्मा की आसक्ति हमारे गुरु चरणों में महापुरुषों के चरणों में हो जाए। सैव साधु सुरो रतो मोक्ष द्वार मपामृतम। साधु के जो चरण है महापुरुषों के चरण मोक्ष का द्वार है। कैसे? क्योंकि महापुरुषों का संग करेंगे। सदा प्रसंगा वीर्य संविभु भवन तीर्थ कर्ण रसायन महापुरुषों के पास में जाएंगे तो उनसे हमको कथा सुनने को मिलेगी और जब हम कथा सुनेंगे तब हमारे जीवन में कल्याण होगा। तो बोले कौन से साधु, कैसे साधु होने चाहिए? तो कपिल महाराज ने साधुओं का परिचय दिया। देखो साधु का संग हो जाए जीवन में संत का संग, बचपन में माँ का संग हो जाए और युवावस्था में सत्संग हो साधु का संग हो जाए और बुढ़ापे में सत्संग हो जाए तो जीवन का कल्याण हो जाए, जीवन का कल्याण होगा। संत संगे के गुरु संगे अंत समय तेरा परशुरामया जीव को माया। देखो सगा कौन है और कौन सगा नहीं है विचार। माया सगीना तन सगो ना सगो ये संसार पर सुनामया जीव को और ऐसी स्थिति जिसके हो वह सब संत ही है। तेतिक्षवः काम निकासु हृद जो सहन करे और सहन करने से ही महाराज बात बनेगी। जो सहन करता है ना तो सारे झगड़े खत्म हो जाते, सहन नहीं करता ये झगड़े का मूल कारण होता है। सहन ना करें यही झगड़े का मूल कारण, सहना आ जाए तो झगड़ा खत्म। बुद्ध के शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मैं थोड़ा टहलने जाना चाहता हूँ, भ्रमण करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा बेटा तुम जाओगे लोग तुम्हारे को कुछ ना कुछ बुरा भला कहेंगे। उसने कहा कि गुरुदेव मैं ये सोचूंगा कि बुरा बुरा भलाई तो कह रहे, अरे कुछ मुंह से कह रहे, कौन सा पत्थर मार रहे। बुद्ध ने कहा कि
कहा कि मैं ये सोचूंगा पत्थर ही तुम्हारे रहे कौन सा हथियार से मिला। बुद्ध ने कहा बेटा तेरे को हथियार से भी मार देंगे। तब कहा कि बोले मैं ये सोचूंगा कि हथियार से ही तो मार रहे हैं कौन सा जान से खत्म कर रहे हैं। बुद्ध ने कहा तेरे को जान से भी खत्म कर देंगे। तब शिष्य ने कहा फिर तो मैं ये समझूंगा इस दुख में संसार से चले जाना ही ठीक है, ऐसे जाने से बड़ा अच्छा है, कम से कम हम इस दुख में संसार को छोड़ दो। बुद्ध ने कहा कि बेटा तुम मरण जाने के अधिकारी हो, जाओ संसार में भ्रमण करो, भ्रमण वही कर सकता है जिसके जीवन में सहनशीलता है, तो संत है जो साधु है, अरे घर में किसी का साधु स्वभाव है वो सहन करता है, 10 लाख भी कोई कुछ कह दे अगर सास सहन करने वाली साधु स्वभाव वाली है, बहू कुछ कह दे सहन कर ले, बहू यदि संत स्वभाव वाली है साधु स्वभाव वाली तो सास ससुर कोई कुछ कह दे वो सहन कर लेते, और जो सहन कर लेता ना जी ठाकुर जी उसके पक्ष में है। सुने रे मैंने निर्बल के मन राम, निर्बल के मन राम, निर्बल के नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा ना कि बलवान के राम है, निर्बल के जो सहन करता है उसके ठाकुर के है उसके पक्ष में है। भगवान कहते हैं वो अपना ही काम खुद कर ले, मेरी आने की जरूरत नहीं है, इसलिए ऐसे तितिक्षा और कारु ने कहा जो करुणावान है जो सबके प्रति सुहृद सर्वदेहिना सब देहधारियों के लिए अजा शत्रु जिसका कोई शत्रु नहीं है, जो शांत है जो शांत रहने वाला है, जो साधु है तो दूसरों के बिगड़े काम को साध दे बना दे वो साधु है, ऐसे साधु के लक्षण कपिल गीता में श्री गुरु भगवान ने देवती माता को बताया, और भी मन को कैसे वश में करूं तो भक्ति योग सिखाया, भक्ति के द्वारा मन जल्दी परमात्मा में लग जाता है, भक्त तो भगवान को सुखित्व की भावना से हे नाथ आप जिस तरह से सुखी हो मैं वो कर्म करूं, अगर आप इस एक सूत्र को पकड़ ले तब भी कल्याण हो जाए तब भी भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, केवल इस एक सूत्र को पकड़ो तत् सुख सुखित्वम। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं कि उसके सुख में हमें सुखी होना है, वही करना है, वही बोलना है, वही सुनना है, वही देखना है, वही व्यवहार करना है जिसमें मेरा गोविंद सुखी हो जाए, इसलिए गोपियों की साधना है ये यथा गोपी का नाम, जैसे गोपियों ने भक्ति की गोपियां भगवान को सुखी करने में ही अपना ध्येय समझती है, गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण सुखी हो निज सुख दुख हेतु गोपी करे ना विचार, कृष्ण सुख हेतु करे सब जग हार व्यवहार, भगवान के सुख के लिए ही काम सोच कुछ करना है वह उसी लिए करना है, वही एक मात्र लक्ष्य है, इस एक सूत्र से भक्ति आपके भीतर प्रकट हो जाएगी। और भी कैसे मन को वश में करें, तब कहा ध्यान करिए, तो ध्यान की बात सिखाई कैसे ध्यान करें, बोले भगवान की प्रसन्नता युक्त मुख का ध्यान करो, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ऐसा ध्यान करो। देखो ये पतंजलि योग नहीं है, अष्टांग योग की बात कही, अहिंसा सत्यम अस्तेयम यावदर्थम परिग्रह ब्रह्मचर्य तपस्योचम स्वाध्याय तथार्जनम, यह अष्टांग योग दूसरा पतंजलि का योग अलग है, ये कपिल का योग है। कपिल कहते हैं कि माँ ध्यान तो करो पर श्री कृष्ण का मुस्कुराते हुए चेहरे का ध्यान करो, आप विचार करो कि भगवान का जीवन कैसा रहा, उनके जीवन में दुख ही दुख दिखता है, अरे जिसका जन्म ही
14 साल में वहां मथुरा में बैठकर भगवान ने 17 बार जरासंध के युद्ध का सामना करना पड़ा। एक साल में कभी कभी दो दो युद्ध लड़ने पड़े होंगे और फिर 100 वर्ष की जो भगवान की लीला है वह द्वारिका में है और द्वारिका में भगवान ने 100 वर्षों में कितने हजारों युद्ध लड़े होंगे बोलो। जिनका जीवन संघर्ष से भरा हो उनका चेहरा तो देखो, वो सदा मुस्कुराते रहते हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे I'm not
चरणों का ध्यान सिखाया। और महाराज ये जो कपिल महाराज ने जो उपदेश दिया है कपिल गीता के नाम से, आगे चतुर्थ स्कंद में जो इसको विसर्ग स्कंद करते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की चर्चा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित आगे प्रसूति का जो विवाह है वह प्रजापति दक्ष के साथ में हुआ। इनके यहाँ पर 16 कन्याएं जन्मी, जिनमें से 13 धर्म को दिया, एक अग्नि को, एक पितरों को और एक सबसे छोटी कन्या है वह श्री महादेव जी के साथ सती का विवाह हुआ। और दक्ष जो है वह शिव जी का निंदक है, शंकर भगवान की निंदा करता है। भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी ने लिखा कि भगवान की निंदा तो व्यक्ति को मजाक में भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि हरि हर निंदा सुनई यज्ञ में जाने वाले देव देवता सब
कैलाश की ओर से जा रहे हैं। देवी को कहानी, देवी क्या आप नहीं जा रही, आपके पिता के घर में यज्ञ है, पता है, परंतु फिर भी देवियां बोल रही हैं। तब सती ने बात बनाते हुए कहा, क्यों न जाए, हम भी जाएंगे, अब हम तैयारी कर रहे हैं, बस अभी थोड़ी देर में हम भी जाएंगे। देवी सती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु चलिए हम भी यज्ञ में चले। भगवान कहते हैं कि देवी यज्ञ में तो जाएंगे, पर निमंत्रण कार्ड तो आ जाना, अब तो पाना चाहिए। देवी कहती है कि क्या जरूरत है कार्ड को, अरे गुरु के घर में जाना हो, माता पिता के घर में, मित्र के घर में जाना हो, तो कोई कार्ड पत्रिका का इंतजार मत कर, ऐसे चले जा। महादेव कहते हैं कि देवी सो तो बात सही है, पर तब जाना चाहिए जब उनको हमारे आने से प्रसन्नता हो। आवत देख हर से समझने को ही तैयार नहीं है। प्रभु मुझे तो जाना है, आप जरूर चले, परंतु मां भगवान महादेव ने विचार कर लिया कि देवी अब जाना चाहती है तो रुकना ठीक नहीं है। देवी चल पड़े और उनके साथ में शिव गुरु को भेजा। महात्मा लोग कहते हैं कि बिना बेचारे जो यज्ञ वेदी के पास खड़ा होकर के यज्ञ का संधान किया और
का जब हम
इसलिए गुरु जी महाराज प्रकट हुए है देखा परीक्षा लेते
आगे जाकर के प्राप्ति करे होता है करता है। जमुना जी मधुबन में और बैठ करके करना श्री नारद जी ने भगवान मधुवन में बैठ कर सामने भगवान बोलते हैं नारद जी Yeah.
घर में इन्होंने विचार किया कि पिछले आदमी बहुत ज्यादा बोला के लिए गए तो पढ़ाया ऐसे खरगोश ऐसे गधा जब ऐसे तो ऐसे हिरण करते में गधा तो न बन जाऊ तो गुरु जी ने बहुत बोलू बोलू बोले नहीं है घर में काम घर में काम करने के जड़ पर अब करे तो एक जगह जाए दूसरे निकाला बोले चेटी हो तो जरूर अंदर नहीं निकाल का ही घर के काम कर लिए खेत में चले गए पक्षी उड़ाने जी खेत में पक्षी उड़ाने लगे विचार
वर्ष में भारतवर्ष का वर्णन और इसी द्वीप में श्री भारत ने आगे पाप और पुण्य उन पापों से बचने के लिए उन पापों का परिणाम स्वरूप किया और वर्णन परीक्षित भयभीत हो उठे कहा कि इनसे बचने का उपाय क्या है जो नरकों से उद्धार करता है। अजामिल उपाख्यान सुनाए आगे सप्तम स्कंद जो है हमारे दक्ष प्रसन्न है और वर्ता सुखा व्याख्या प्राणिया थी। देखो संकेत करने वाला ही चित्र के ही चित्र और जो है उस जीवात्मा को बुलाकर कराया तब तक संबंध होता है शरीर का संबंध नहीं होता नहीं होता है जीव तो जीव सृष्टि में सारी हानि लाभ सब ईश्वर सृष्टि में नहीं है और ये भगवान का पाठ को बाबा देवी भगवती शिवा के द्वारा सप्तम स्कंद के अंदर किया था महाराज भगवान के लिए बोले ये प्रश्न जो है आपके नारद जी से युधिष्ठिर जी नारद सुई यज्ञ नारद सुई पूजा के कुशी नगर पूजा हो इससे तैयार थे पर शिशुपाल विरोध करता रहा। शिशुपाल अपशब्द कहना आरंभ किया भगवान ने सौ तक तो उसको क्षमा किया जो सौ पूरे हुए जैसे ही नाचने लगे था भी भगवान सत्कारियों के शाप हिरण्यकश्यप अब ये शिशुपाल के ये है शोध लेने के लिए तब क्या ब्रह्मा जी सत्ता के तुम जाकर अरे ब्रह्मा जी जब बोले अयोग्य व्यक्ति को जब अधिकार मिलता तो वह अत्याचार अत्याचार किया सबसे पहले कहा कि धर्म राष्ट्र बनाएंगे विडंबना हमारी एक हमारा भी धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। भगवान की गीता जी में आया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कौन सा राष्ट्र धर्म राष्ट्र था कि नहीं धर्म क्षेत्र हो जाती है धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कोई
तो धर्म निरपेक्ष में सबसे बड़ी बात मालूम क्या, चलो बहुत अच्छा है भगवान की नहीं। कश्यप ने कहा हाथ में माला तो हथकड़ी संग में जाने के जेल की दीवार, सत्संग में जाओ जेल पैदा होती है कि सर्प ही विष बुझाने वाली विषमणि पैदा करता है, वही विष पैदा करता है। किसी के घर के भीतर एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम प्रहलाद। महाराज एक दिन देखा कि एक कुमार कुमारी है, माता जी क्यों रो रहे,
तो पिताजी जैसे आप अपने बच्चों को पूछ लेते हैं कि बच्चे क्या पढ़े आज, बढ़िया सुंदर पोइम सुनाओ, बच्चा सुना दे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तब आप खुश हो जाते हैं, वाह बड़ा अच्छा सुना है। आप पूछा प्रहलाद जी को कि आप सुनाओ क्या पढ़े आप, प्रहलाद जी कहते हैं कि जो मैंने अच्छी बात ये थी ट्विंकल वाले गुरु जी है ये तो ऐसे पढ़ाया लड़ाई झगड़ा ये तो नहीं सुनाया, तो असली वाले गुरु जी जिन्होंने गर्भ में ज्ञान दे दिया नारद जी उनकी बात सुनाता हूँ। तो बोले पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। नौ प्रकार की भक्ति होती है। पहली भक्ति होती है श्रवणम, श्रवण करो कथा का श्रवण हो, श्रवणम कीर्तनम और कीर्तन करिए, स्मरण कीजिए और वंदन कीजिए, अर्चन कीजिए, भगवान की नौ प्रकार की ये भक्ति है। कितनी सुंदर भक्ति का उपदेश, जैसे ही सुना अरण्यकश्यप ने अरे ये तो शत्रु का पुत्र है, शत्रु का ही कोई दूत है, इस रूप में मेरे पुत्र रूप में आया है, इसको हटाओ यहाँ से मारो इसको। और उसे समय में कहते हैं प्रहलाद जी को मारने का प्रबंध किया गया, कभी उनको भीषण विष खिलाया, कभी उनको समुद्र में गिराया, कभी उनको पहाड़ से गिराया, पर प्रहलाद जी एक मरने का नाम नहीं लिया। आखिर होलिका बुआ को बुलाया और बुआ जी आई होलिका, और जैसे आई बुआ जी अरे केस जले जो लाकड़ी रे, हाँ केस जले जो लाकड़ी रे, कैसे तेरे कोई नहीं आयो बाप मेरे प्रभु की नजरिया, मेरे प्रभु की नजरिया। भगवान की नजर घूमी और महाराज वह बुआ जी तो जल गए और प्रहलाद जी फिर बच गए। अब प्रहलाद जी महाराज जो है उनको हिरण्यकश्यप आकर के कहा रे आज मैं तुझे मारूंगा। प्रहलाद जी कहते हैं मैं कभी नहीं मत हारूंगा, कौन तुझे बचाने वाला जो सब जगत का वाला है, तो मारूं कठोर हथियारों से, तो प्रभु रक्षक हार हजार दे कहां तेरा भगवान। तो बोले सामने आपको दिखता नहीं, सन हो गए देशत नहीं लान देसी जिन तुलसिया संसार को अरे मोतियां मोतियां तो जाना आंखों में तो फिर दिखाई नहीं देता है, पास में रखी हुई चीज सामने रखी हुई चीज दिखाई देती है, इसलिए अज्ञान रूपी मोतियां उतरने पर भगवान सामने है पर समझ नहीं आता ज्ञान की कैसे दिखेगा। बोले एक चश्मा खरीद रहा हूँ, चश्मा लगाओ। तो वो चश्मा कैसा है, हाँ चश्मा है, अगर आपको चाहिए तो चश्मा जरूर दे देंगे, उससे भगवान दिख जाएंगे। कैसा चश्मा है, जाके दरगन पे लगा है रंगाले और मकार वाही को दी सतसना दशरथ राज कुमार। तो भगवान का दर्शन हो जाएगा, ये नाम का चश्मा, इसे भगवत नाम को अपना लीजिए तो मानो सनमत भगवान दिख जाए। तो श्री प्रहलाद जी महाराज के सामने जब हिरण्यकश्यप ने कहा है तेरा भगवान मुझ में ना तुझ मेरा सब मेरा समाया है, खड़ग मेरा खम मेरा सब मेरा समाया है, और नरसिंह भगवान की झांकी भी आ रही है। तो भगवान नरसिंह देव के जो है दर्शन हो रहे हैं उसी खंभ के भीतर भगवान प्रकट हो रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम्हारे भगवान को चकनाचूर किए देता हूं, तुम हजार मण की गदा लेकर के आए और उस गदा से उस ऊपर प्रहार किया और देखते देखते हजारों करोड़ों बिजलियां फूट दिए, ऐसा स्वर हुआ और उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हो
और कहा कि तुमने कहा न बाल न भीतर तो संदेह तुम्हें मारता हूँ। तो ने कहा कन्नर में आकाश में का पृथ्वी पर तुम्हें अपनी गोद में तुम्हें मारता हूँ। तुमने कहा कन्नर में दिन में न रात में संध्या में भी तुम्हें को मारता हूँ। तुमने कहा अस्त्र से अस्त्र है भगवान ने अपने माथा को दिखाया हमें इन रूपों से तेरा हृदय देखते देखते भगवान नरसिंह ने उसका हृदय विदीर्ण कर दिया और हिरण्यकश्यप की लीला को समाप्त किया। और नरसिंह भगवान की और अब तो महाराज भगवान के इस आवेश को जब खत्म नहीं हो सब देवता जो है प्रयास किया उनसे भी जब भगवान प्रसन्न नहीं हुई तब हमारे प्रहलाद जी को कहा प्रहलाद जी आप ही के द्वारा किया गया जो खेड़ा आप ही ठीक करिए। श्री प्रहलाद जी महाराज जा करके नरसिंह भगवान की स्तुति करते जो नाच नहीं पाए हैं कथा में वो कल नाच लेना।
ठीक है कि नहीं। अच्छा ये बताओ कौन कौन कल भगवान की कथा में जन्मोत्सव में भी बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं वो अपने पोते पोते के जन्मदिन पर नाचते कि नहीं। तो ठाकुर जी का हम लोग भागवत जी में प्रकट उत्सव मनाएंगे तो उसमें नाचना पड़ेगा कि नहीं? अगर नाच सकते तो हाथ खड़ा करो। देखो बाकी कुछ ना करो तो महाराज कहते भगवान की कथा में जो है झूम लेता है नाच लेता है उसको 84 नाक युग में नहीं नाचना पड़ता नहीं तो कहाँ कहाँ नाचते फिरोगे है कि नहीं। इसलिए हाथ खड़ा करो जो जो नाच सकते हैं। देखो सब नाच अच्छा कल नाचना है तो आज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खड़े हो जाए बड़े भाव से खड़े होकर के और इन दो भक्तों के सामने झूमते हुए बंसी बजा के किधर गए हो रे बंसी बजा के किधर गए हो रे मेरो बाप सावनी Yeah.
दक्षिणा लेके आएंगी जब अपनी मुठ्ठी स्थान बात की जानेगी।